ओके लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स? क्या कैसे खुद बता दो, अब तो सीख लिए प्रैक्टिकल। 21C2 पॉइंट क्लियर, थर्ड डन, फोर्थ बताता हूं बेटा। कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होता है आपको? दो। कितने पॉइंट्स है? 21, तो क्या हो जाएगा 21C2। इज दैट क्लियर मेरे बच्चा? ओके आगे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5-4 गर्ल्स? क्या मतलब है इसका बेटा? क्या कर देते हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज, 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, ठीक है? ऑप्शन कितने अवेलेबल है? कितने हैं? 5 बॉयज और 4 गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा सर? बोलो बोलो, शाबाश। गर्ल्स चाहिए 3, ऑप्शन है 5, 5C3 इनटू बॉयज का 4 गर्ल्स, 4C3 उल्टा लिख दिया, बॉयज 4C3 करोगी बात। चलो अब ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी टर्न दूंगा मैं, 5 आपकी एंड 6, 7.4 है ओल्ड बुक्स, न्यू बुक्स में 6.4 है, जी बता दो आपको नहीं आता? अच्छा कोई बात नहीं, मैं क्लासेस मिस करी, इट्स ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपकी टर्न है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी टर्न रहेगी, राइट? एक्सप्लेन करिए बेटा, हिंदी में समझाइए क्वेश्चन 5 का मीनिंग। बिल्कुल, देखो एक मिनट, नंबर ऑफ बॉल सिलेक्ट करनी है, कितनी चाहिए? 9। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू। 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, 6 रेड है 5 व्हाइट 5 ब्लू, आगे बताओ। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, यानी हर सिलेक्शन में कितनी बॉल्स हो? 3 बॉल हो हर वैरायटी की, अब बताओ। 16C9, देखो बच्चे का 16C9 मेरे बेटा, अगर सिर्फ आपने 16 में से कोई भी नौ करनी लेनी थी तो कोई इशू नहीं होता, बट यहाँ क्या लग गई? कंडीशन लग गई कि भाई हर किसी के 3 हो, यानी 3 रेड चाहिए, 3 ही वाइट चाहिए और 3 ही ब्लू चाहिए, तो क्या 16C9 करेक्ट है? नो। क्या हो जाएगा फिर खुद बताओ? 6C3 5C3 × 5C3, क्लियर? यस और नो? एक्सप्लेन करिए, मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन समझ आ गया? कैसे होगा ये नहीं समझ आया बेटा, एक बात बता, 5 5 5, ठीक। अच्छा सिक्स पे, अरे यार पढ़ो, हिंदी समझा सकते हो? हिंदी समझाओ, 5 कार्ड निकालना है सिंपल भाषा में, आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड में से 5 कार्ड निकालने हैं। अगर क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप करता तो क्या आप बोलते? 52C5, भाई 5 निकालने कितने ऑप्शन? 52, बट आगे कंडीशन है, देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी एक एस होना चाहिए, अब बताओ। एनीवन एल्स? 54 का ऑप्शन आया है ऑनलाइन में, बताया मेरे को। अरे 5 कॉल सुनो, ये वाला नहीं आया, सबसे ज्यादा दिक्कत देता है। अब ये मैं कराता हूँ, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन, 5 कार्ड्स निकालने, पहले इतनी बात समझ आई, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करनी है, आउट ऑफ अ डेक 52 कार्ड्स, कितने में से? 52 कार्ड्स में से। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, अगर क्या हो हमारे पास, एक इक्का हो, यानी 5 पत्तों में से क्या हो, एक इक्का हो, इतना पॉइंट क्लियर? कैसे सर, कार्ड्स के रिगार्डिंग आता है आपको? 52 कार्ड्स हैं, कितने एसेस होते हैं मेरे पास? 4 एसेस एंड 48
अदर्स राइट मेरा बच्चा, चार इक्के हैं तो चार इक्को में से कितना चाहिए मेरे को, एक चार में से एक चाहिए यानी वन एस यहाँ, और बाकी 48 में से कितने चाहिए होंगे, फोर, क्योंकि टोटल पांच कार्ड चाहिए, तो खुद बताओ क्या बनेगा, 4c1 × 48c4, क्लियर ही बात। चलो कोई बात नहीं, एक मौका और देते हैं, क्वेश्चन सेवन से और अच्छे से आएगा, क्वेश्चन सेवन ट्राई करोगे बताओ, शाबाश। बेटा जैसी रिस्ट्रिक्शन आ जाए ना कि इतने चाहिए, तो ये देखो कि आपके पास टोटल ऑप्शन कितने अवेलेबल है, जैसा एक एस चाहिए तो एस के लिए ऑप्शन कितने है, चार, बाकी ये चार चाहिए तो उसके लिए ऑप्शन कितने है, 48, तीन रेड चाहिए ऑप्शन कितने है, 6, 63, फाइव ऑप्शन है चाहिए कितने, तीन। पढ़िए, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, क्या मतलब इस लाइन का बेटा, कौन मीनिंग समझाएगा, यस, पांच बॉलर्स होने चाहिए, एक बार दोबारा पढ़ो ध्यान से, देखो इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11, 11 बंदों की टीम सिलेक्ट करनी है, कितने में से, 17 प्लेयर्स में से, ओके, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, जिसमें से क्या हो, पांच बॉलर, राइट, 5 मेरे पास बॉलर्स है तो बाकी के क्या हो गए, 12 बैट्समैन, आगे टीम कितने की बनानी है, आगे इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, मतलब हर किसी में कितने हो, चार बॉलर्स, और तो बाकी कितने होने चाहिए, यूवी, आप बताइए, 7, तो खुद बताओ क्या बनेगा, 7c4। बेटा ग्रुपिंग देख, चाहिए कितने, चार, ऑप्शन कितने हैं, तो क्या बना, 5c4 × 12, अब समझ आ रही बेटा बात, ग्रुपिंग करो, चलो काम करो, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करके दिखाओ, 2 मिनट्स का टाइम देता हूं आपको, क्वेश्चन 8, अ बैग कंटेन्स 5 black and 6 red balls, एक बैग में क्या है, 5 red and 6 black balls, determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected, मतलब मेरे को बताना है कि 2 black and 3 red सिलेक्ट कर सके, कैसे करूं बेटा बताओ, हाँ जी, 2 black and 3 red, कोई बताना चाहेगा, नहीं, ये रो को छोड़ के पीछे वाली में से, मुंह से बोलो ना, मुंह से गलत ही तो बोलोगे, क्या हो जाएगा, यस, 5c2 × 6c3, तो बस आइए क्वेश्चन 9, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 courses इफ 9 courses आर अवेलेबल, मतलब कितने तरीकों में एक स्टूडेंट क्या चूज कर सकता है, 5 course का प्रोग्राम, राइट, अगर उसके पास कितने ऑप्शन हो, 9, अगर यहाँ पे क्वेश्चन फुल स्टॉप मारता तो मैं क्या लिखता, 9c5, बट वेट आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 specific courses आर कंपल्सरी, 2 course क्या है, कंपल्सरी है, तो जरा अरेंज कर ले इसको सर पहले, देखो मेरे पास 9 है, राइट, 9 course है, 9 में भी क्या कैटेगरी है, 2 क्या है बेटा, कंपल्सरी, और 7 क्या है, ऑप्शनल, इसमें चॉइस है, राइट, कितने सिलेक्ट करना है, 5, 5 में तो 2 कंपल्सरी है, तो 2 में से कितने आएंगे, 3, 2 कंपल्सरी में पूछ रहा हूं, 2 से कितने, ये 2 कंपल्सरी से कितने आएंगे, 2,
ये बात नहीं समझ आई बच्चों को, दोबारा समझो बेटा। दो सब्जेक्ट जब कंपल्सरी लेने ही लेने हैं, इंग्लिश और आप लोग मान लो साइंस के हो तो इंग्लिश और फिजिक्स लोगे, कॉमर्स के तो इंग्लिश और अकाउंट्स लोगे, कंपल्सरी है तो उसके लिए कोई चॉइस है? तो दो में से कितने आएंगे? दो, यहाँ तक क्लियर। और बाकी सात में से तीन, तो क्या हो जाएगा मेरा 2C2 × 7C3। क्लियर, चलो अब चलेंगे आगे एग्जाम्पल 19 पे। ट्राई करोगे एक बार?